हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, माय शोर फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की, आज सुबह की एनर्जी। आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस करें आपके लिए, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं, तो आज सुबह की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की तो कलेक्टिव लेवल पर है और सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है एनर्जी। आपसे जितनी भी रेजोनेट होती है उतना ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। जस्ट प्लीज गाइड करें। ओम आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। गुड न्यूज एंड इनसिक्योर स्ट्रेंथ। कर्मा, आई मिस यू, योर वॉइस। You are my soulmate. You are the sources of my happiness. Caste issue. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. आ जाओगे जब तुम उस साजना। I want to kiss you. I am so happy to have you in my life. I like you. You complete me. I am coming soon. ये है insecure, ठीक है? देखिए, आपके पार्टनर इनसिक्योर हैं, उन्हें भी लग रहा है कि आपका सामना करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनकी खुशी आपसे जुड़ी हुई है, उनका जो फ्यूचर है, जो रिश्ता है, आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यू कंप्लीट मी। यहाँ पे आपके पार्टनर कंप्लीशन चाह रहे हैं। आ जाओगे जब तुम उस साजना, और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, आर माई सोलमेट। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, वो इसलिए कि यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। कहने का मतलब एक सोलमेट ही है जो इतना केयर, इतना पैम्पर कर सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्हें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कुछ वर्ष आपके पार्टनर कर्मा भी फेस करें और आपका सामना करने से पहले वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं, ठीक है? वो कहना चाहते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। देखिए, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन दिल से चाह रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे, वो सॉरी कहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप उन्हें दिल से माफ़ कर दें। वो आई लव यू कहना चाहते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, आई लव यू एंड आई लाइक यू, थैंक यू, इसलिए कि यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं आप उनकी खुशी की वो की हो, वो चाबी हो जो आपके पास है, जो आप रिमोट कंट्रोल हो, जो आप उनको वो खुशी, वो सपोर्ट दे सकते हो, उन्हें कंप्लीशन हार्मनी दे सकते हो, यानी कि यू कंप्लीट मी। और देखिए, यहाँ अगर बात हो रही है आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू, या आप लोग को मैरिड लाइफ में कुछ इशू चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे पेरेंट्स इशू कहो या कास्ट इशू करो, आप लोग रिलेशनशिप में 100% कुछ के लिए कास्ट इशू है, कुछ के लिए पेरेंट्स इशू है, ठीक है? लेकिन आ जाओगे जब तुम वो साझा, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको कह नहीं रहे कि वो अपना वादा नहीं पूरा करेंगे या फिर वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। देखिए, हो सकता है कुछ पेरेंट्स से खींचातानी चल रही है, शायद वो बात रख रहे हैं या भी ना रख रहे हो, बट आपके पार्टनर ये जरूर कह रहे हैं, यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस। जब आप उनकी खुशी हो, उनकी लाइफ की वो सोर्सेस हो, जो जीना सिखा रहा है, आगे बढ़ना सिखा रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, आपने उन्हें प्यार दिया, जितना कुछ आपने दिया है,
इसलिए आपके पर्सन ये कहना भी चाहते हैं आपको थैंक यू कि आपने जो दिया उसके लिए ग्रेटफुल है वो। बट कुछ इशू है जो कास्ट इशू है या पेरेंट्स इशू आ सकते हैं, लेकिन आ जाओगे जब तुम वो साजना कुछ तो कुछ ये सपना देखने हो सकता है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स से बात हुई है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बात रखी है। कुछ व्यूअर्स कल शाम में मैंने एक वीडियो डाला था रे ओ पी 69 पर, उसमें किसी ने बोला कि कमिटमेंट का वादा किया है मेरे पर्सन ने, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस वीडियो इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको भी कहना चाहती हूँ, इस चैनल पर भी कहना चाहती हूँ बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ने आपसे वादा किया है कमिटमेंट का और वो सीरियसली उन्होंने लिया है। ठीक है, तो ये शाम की वीडियो में उन्होंने लिखा था कल। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स ऐसा है कि आपके पर्सन या बात कर सकते हैं या इन्होंने कहा है या फिर ये कह सकते हैं, क्योंकि ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे यू आर माई सोलमेट, यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस, मतलब आपको लेकर खुद को कंप्लीट महसूस करते हैं और ये पेरेंट्स से बात रख भी रहे, ये कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन आपके प्रति चाहत बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखिए वो इनसिक्योर इसलिए हैं कि हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी टाइम से इन्होंने काफ़ी चीज़ें छुपाई। ठीक है, काफ़ी ये दर्द पेन को सह रहे हैं, काफ़ी ऑब्स्टिकल को देख रहे हैं, इन्हें शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मा जो फेस कर रहे हैं स्ट्रेंथ की एनर्जी, तो कुछ वर्ष मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ना इस वक्त अपनी खुशी के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए ये खुद पर भी फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि इनका जुड़ाव आपसे है। ठीक है, क्योंकि सारा खुशी उनको जो फील होता है, पीस हो, खुशी हो, या इनका लाइफ की जो भी खुशी हो वो आपसे मिला है। ठीक है, ये फोकस है, ये पर्सन आप पर फोकस है। बट यहाँ पे कभी कभी सिचुएशन जो हो जाती है वो कास्ट इशू को लेकर थोड़ा सा ये अपने आप को रोक लेते हैं, जहाँ पेरेंट्स इशू हैं। अगर पेरेंट्स रिलेटेड भी कुछ बात होती है तो ये बंदा आपके सामने आना चाहता है, ये बंदी आपके सामने आना चाहती है, बट फिर भी इनसिक्योर है कि मैं क्या सवालों का जवाब दूँ, क्योंकि आपके साथ मिलना, बात करना, यूनियन में आना, तो देखिए इनको भी माइंड सेट करना है। ठीक है, और ये पर्सन इनसिक्योर इसलिए कि वो आपको खुलकर ये कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका एनर्जी बोल रहा है, उनकी मैसेज जो बोल रही है वो दिखा रहा है कि आप उनके खुशी हो, सोर्सेस हो, पीस हो, शांति हो, प्यार हो, और ये प्यार पैशनेट एनर्जी है। वो माफी अपने रूह अंतरात्मा से, वो दिल से माफी मांगना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, बहुत तरस रहे हैं आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज को, तो हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, बस ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और देखिए कुछ व्यूअर्स आपके अंदर भी चेंजेस आए हैं, कुछ आपके अंदर बदलाव आए हैं, लेकिन ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं, एक चीज़ उनको हो सकता है कि आप उनकी वीकनेस हो, जहाँ वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, तो ये कर्मा और स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि इनको काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि आपका ये सामना करेंगे तो बहुत सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। इसलिए ये बंदा या बंदी थोड़ा माइंड सेट करना चाहते हैं, आपके साथ बेहतर लाइफ भी देख रहे हैं, खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन खूब खुश रहना चाहते हैं, और देखिए अगर ये आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं तो जब तक ये खुद माइंड सेट नहीं करेंगे तब तक वो आपको कैसे आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, देखिए आप उनकी ज़िंदगी में जो आए हो उनको ये एहसास हो रहा है, और देखा जाए इशू पेरेंट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सारी एनर्जीज कह रही हैं आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ। कहने का मतलब पीस और शांति, खुशी, सारा खुशी यहाँ आपसे जुड़ा है, मतलब यहाँ सिर्फ आपने जो दिया है उसको काउंट किया जा रहा है, और इसलिए बंदा इनसिक्योर है कि आपके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए बंदा सपना या सपने जो भी बोलिए, मेल हो फीमेल हो, ये आपको लेकर जरूर कुछ तो सपना देखना, जो आ जाओगे जब तुम वो साजना, तो ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं, कुछ परेशानियाँ, कुछ मजबूरियाँ, लेकिन यू कंप्लीट में अगर ऐसा आपको लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, ये बंदा या बंदी जो भी है इस वक्त इनसिक्योर है, बट हो सकता है ये आपसे मिलकर माफ़ी भी मांगे, क्योंकि दिल से कहना चाहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई लाइक यू एंड थैंक यू। तो कहने का मतलब थैंक यू इसलिए करें कि आपने जो कुछ दिया है वो रिटर्न आपको नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी एक कोशिश कर रहे हैं, बस एक मुलाकात चाह रहे हैं और आपसे मिलना चाह रहे हैं, यू टर्न होना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी व्यूअर्स गुड न्यूज़ की वाइब्रेशन है, आपके पार्टनर
उनकी खुशी आपसे जुड़ी हुई है तो आपके लिए ये लड़ने वाले हैं। कास्ट इशू हो या पेरेंट्स इशू हो, जो भी हो, बट इनका मैरिज और आपके साथ फ्यूचर ये देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो भी है, इन्हें पीस और शांति नहीं मिली, वो खुशी नहीं मिल रही है, और जब तक वो आपसे खुलकर बात नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करेंगे, शायद हो सकता है कि इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी ना आए। तो कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, कुछ स्ट्रांग बनना है, और जो कर्मा फेस करें, तो इस वक्त आप समझ सकते हो जो इंसान कर्मा फेस करता है तो कितने सारे ऑब्स्टिकल होते हैं। तो देखिए, हो सकता है इस वक्त हेल्थ इश्यू हो, डिप्रेशन हो, ओवरथिंकिंग हो, इनसिक्योर इसलिए है कि कहीं ना कहीं चक्रास ब्लॉक है इनके, ठीक है। कोई चक्रास है, ब्लॉक है, जैसे हार्ट चक्रा हुआ, थ्रोट चक्रा हुआ। खुशी तो बहुत है, चाहत तो बहुत है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है या थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो सैक्रल एंड सोलर ये चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन आई वांट टू किस यू, यहाँ पे चाहत है, तो हो सकता है कि बहुत सारे धीरे धीरे आपका चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, तो ये प्यार जताना चाहते हैं, आई वांट टू किस यू। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार भी है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपकी आवाज़ को तरस रहे हैं, और इनकी खुशी जो आपसे जुड़ी हुई है, ये एनर्जी कहती है कि जो सोर्सेस है, यू आर द सोर्सेस ऑफ माई हैप्पीनेस, देखिए इस एनर्जी से वो जुड़ना चाहते हैं। कहने का मतलब आपसे मिलना चाहते हैं, चाहे कोई भी इश्यू आ रहा है इस वक्त ये नहीं सोचना चाहते, इस वक्त फोकस है वो आप पर, और ये खुद मांगना चाहते हैं आपसे माफी, मतलब ये अपनी खुशी से जुड़ना चाहते हैं, अपनी पीस से जुड़ना चाहते हैं, अपने सोलमेट से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेंथ ये करा कि आप उनकी कॉन्फिडेंस हो, विल पावर हो, और बहुत तरस रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने को। तो मुझे लग रहा है इनसिक्योर है, थोड़ा गिल्ट है, बट प्यार भर रहा है, रिस्पेक्ट है यहाँ पे दिख रहा है, पेरेंट्स से बात करते हुए दिखाई दे रहे या कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारी एनर्जी जो निकली है वो आपसे रिलेटेड, जो आपने दिया है वो खुशी, वो पीस, वो शांति, वो प्यार, ढेर सारी खुशियाँ और रिस्पेक्ट, वो यहाँ सारा एनर्जी निकल के आ रहे हैं। कर्मा फेस करें, हो सकता है हेल्थ इशू, स्ट्रेस चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में, बट ये फोकस है इस वक्त आप पर, ठीक है, ये फोकस है आप पर। एडवेंचर, देखिए किसी तरह की गलत फहमी नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का गलत फहमी किसी और की वजह से, तो इस गलत फहमी को वो दूर करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको मनाने के लिए, इस रिश्ते पे काम करने के लिए कुछ तो ये नया करना चाह रहे हैं, ठीक है। एडवेंचर भी है, क्यों है भाई, ये चाहते हैं कि आप उन पर डाउट शक ना करें, ठीक है, उन पर आप ट्रस्ट करें, उन्हें एक मौका दें, कुछ तो ये प्लान कर रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, रीयूनियन से रिलेटेड, आपको मनाने से रिलेटेड, कुछ तो ये एक न्यू प्लानिंग कर रहे हैं और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। बस ये चाहते कि मुझ पर डाउट मत करो, मुझे समझने की कोशिश करो, कंपैरिजन, टोटलिटी। अभी देख रही हूँ ये बंदा बहुत बैलेंस नहीं है, बस यहां से निकलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां पीस ही नहीं मिल रहा है, वहां शांति नहीं मिल रही है, आसपास के माहौल खराब है, एनर्जी जिसको इनको ट्रिगर कर रही है, ये फोकस कर रहे हैं काम पर आपके तरफ आने का, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक वाली एनर्जी है, ये निकलना चाहिए, जैसे लग रहा है कि इनकी फ्रीडम जो है छीन ली गई है, इन्हें कंट्रोल कर दिया गया है, इनको कहीं ना कहीं वो स्पेस, वो फ्रीडम नहीं मिल रही है, स्टक होकर रह गए हैं, ये निकलना चाहते हैं और चेंज आ रहे हैं। 5 नंबर और 5 नंबर 5 5 5 यानी कि चेंज आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिश्ते में, बट ये चेंज जा रहे हैं, 5 5 5 की वाइब्रेशन है, ठीक है। तो ये बंदा चेंज जा रहा है, कोशिश करें काफ़ी लाइफ में, या आपने रिलेशनशिप में, आप दोनों रिलेशनशिप में ये बैलेंस करें, क्योंकि आप लोग रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ाई हुई है, एक दूसरे पर डाउट्स हैं, इस वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, और ये हर हाल में चाह रहे हैं कि वो कहीं से निकलें, किसी थर्ड पार्टी इशू में है, या किसी और रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कहीं भी है, या पेरेंट्स इशू है, ये इस वक्त वहाँ पे खुश नहीं है, और ये चेंज चाह रही है, ये चेंज आपके साथ चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत डिस्टर्ब दिखा दे रहे हैं, देखिए, माइंड एंड द लवर्स, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेस, देख लीजिए,
सेपरेशन, ओवर थिंकिंग बहुत है, कंप्लीशन। देख लीजिए कार्ड्स, इसको भी मैं लास्ट में लेती हूँ। देखिए आपके सिचुएशन में अगर ये स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं कि वो सोच नहीं रहे, ठीक है। सेवन ऑफ वांड्स एंड यहाँ एडवेंचर, ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहे हैं, हर पल सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ ये प्लान करते रहते हैं, कोई साथ दे ना दे, बट आप इन पर डाउट मत कीजिए, इन पर शक मत कीजिए, ठीक है। कभी तो इन पर विश्वास कर लीजिए। जहाँ आप दोनों रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें होती है जहाँ डाउट्स आते हैं, तो आप लोग रिलेशनशिप में इनबैलेंस हो जाती है। ये पर्सन हर कोशिश करें कि रिश्ते में बैलेंस्ड हो, अंडरस्टैंडिंग हो, हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को समझें, अगर आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो, ये भी एक इशू आ रही है, ठीक है। कुछ भी हो, बस ये चाह रहे एक नई शुरुआत, चीज़ें मैनिफेस्ट की जा रही है। द मून की एनर्जी मिस कर रहे हैं, लेकिन टोटालिटी द मून है। कुछ लोग हैं जो आप दोनों के बीच में, देख लीजिए मून में है, कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं। टोटालिटी में भी दो रास्ते हैं, भटक रहे हैं, थ्री ऑफ सोर्ट्स, इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, लेकिन कैसे, इन्हें ही कोशिश करना होगा ना। देखिए मैंने क्या बोला, इनका कहीं ना कहीं स्ट्रेस, मतलब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं यह कह सकते हो थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये सब चक्रास ब्लॉक हैं, ठीक है, और ये कुछ कर नहीं पा रहे, बट प्यार यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, तो आप देख सकते हो हर हाल में आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस करना, अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। वही रिस्पेक्ट, वही प्यार दीजिए, वही केयर, वही पैम्पर कीजिए, ठीक है। हो सकता है इन्होंने मूव ऑन भी किया था, इन्होंने ब्रेकअप भी किया था, आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन किया है, बट ये स्ट्रगल का सफर ये खत्म करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रहा है, या आप या वो एक दूसरे पे डाउट कर रहे हो, जहाँ रिश्ते में डाउट्स की वजह से आपके रिश्ते नहीं अच्छे हो रहे हैं। कोई समझ गया कि एक दूसरे के लाइफ में ऑप्शन है थर्ड पार्टी, इस वजह से आप या आपके पर्सन के दिल और दिमाग में काम नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आप लोग रिलेशनशिप में गलतफहमियां काफी हो रही है। और ये बंदा या बंदी, अगर इन्होंने गलती किया, इन्होंने अगर आप पे भी डाउट कर रहा है, ये बंदा खुद आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, इनसिक्योर है, एंजाइटी, वो खुद अंडरस्टैंडिंग चाह रहा है या चाह रही है। उनको रिग्रेट क्यों फील हो रहा है कि उन्होंने गलती की है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट शायद मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है। और कुछ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, जहां वो घुट रहे हैं, वो रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करें, इनके लाइफ की सिचुएशन सही नहीं है, इनके लाइफ में कोई है भी, टोटैलिटी दो हो, तीन हो, या तीन तीन की वाइब्रेशन, कुछ यहाँ पे है तीन लोग आपके पार्टनर के लाइफ में जो उनके इरादे नेक नहीं है, जो बिल्कुल आपके खिलाफ हैं। और ये पर्सन आपके खिलाफ नहीं है, आपके पार्टनर आपके तरफ तो रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग लाना चाह रहे हैं, आपको चाह रहे हैं, बट इनको आप सब क्यों कर रहे हो, ऐसा वो भी कहना चाह रहे हैं। आप उन पर डाउट ना करें, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, उन्हें कंफ्यूज ना करें, वो उनके लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं, अगर ऑप्शन था भी तो उनका दिल तोड़ दिया गया है, ठीक है। वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में लॉयलिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बंदा अपने रिश्ते को, अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी कि आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है। मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, थर्ड पार्टी ने धोखा दिया, बैक स्टेप किया, यहाँ पे ये दिख रहा है, इसलिए पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है, कोई इनको नहीं समझ रहा है, और इनको धोखे भी मिले हैं।
पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है, एरिस लियो एंड सजिटेरियस, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, ठीक है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो एंड एरिस लियो एंड सजिटेरियस। तो देखिए यहाँ द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो सारे साइन है। व्हाट ऑफ द डे से है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ठीक है, वर्गो, मेष, सिंह और धनु, मीन, कर्क और वृश्चिक, मकर, वृषभ और कन्या, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए यहाँ पे मिसिंग तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत ज्यादा ये मिस कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को किसी ने, किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बैकस्टेप किया है, उनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करना, मिस जज करना, धोखा देना। अगर आपको डाउट था कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी हो सकते हैं जहां आपके पार्टनर को धोखा दिया गया है। हो सकता है आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, वहां से ये निकलना चाहते हैं। कुछ के लिए पेरेंट्स इशू है, घबराइए ना, मैसेज में आया था कि आपके पार्टनर बात रख रहे हैं अगर आपके मैरिज और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बात हुई, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर पेनफुल सिचुएशन में, काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आप उन पर डाउट ना करें, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, नई शुरुआत चाह रहे हैं, और उनको कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस बात का है कि आप उनको क्यों धोखेबाज कह रहे हो, क्यों चीटर बोल रहे, क्यों माइंड गेम खेला है, लेकिन एक चीज है कि उन्होंने किया है तभी आप बोल रहे हो, ठीक है। अगर उन्होंने ऑप्शन इनके लाइफ में आया है या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में रहे तो इन्होंने आपके साथ धोखा दिया है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन पर डाउट ना करें, बस ये रिश्ते पे शुरुआत चाहते हैं, आप उन्हें एक मौका दीजिए। ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ की सिचुएशन सही नहीं दिख रही है, बट ये पर्सन हर हाल में ये आपसे यूनियन में आना चाहते हैं क्योंकि इनको हीलिंग चाहिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। देखिए कंपैरिजन किया जाए तो आज वो प्यार को तरस रहे हैं जो आपने दिया था। कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, प्यार में कर रहे हैं, क्यों, आपने पहले बहुत प्यार की दिया लेकिन आज वो प्यार को तरस रहे हैं। वही प्यार, वही रिस्पेक्ट उन्हें आज भी चाहिए, वही केयर, वही पैम्पर आज भी चाहिए, वही आप, वही आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, एंजॉय किया है और बहुत अच्छे टाइम दिए हैं, आपने अपना इम्पोर्टेंट वक्त दिया है और अपना वक्त निकाल कर इनको आपने बहुत कुछ दिया है। अब ये पर्सन को लग रहा है कि हर हाल में मुझे वही प्यार, वही रिस्पेक्ट चाहिए और ये मिलना चाहते हैं, लेकिन देखिए इनको पेन बहुत मिला है, धोखे भी मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अब इस रिश्ते पे ही वर्क करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू हो रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं और थर्ड पार्टी से ये निकलना चाहते हैं। द आउटसाइडर, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, तो ये आउटसाइडर की एनर्जी है कि हर हाल में ये चेंज चाह रहे हैं। टोटैलिटी में भी फाइव है, कंपैरिजन में भी फाइव है, आउटसाइडर में भी फाइव, यानी फाइव नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पे चेंज मांग रहा है। थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा परेशानी है, एनर्जी ट्रिगर कर रही है, कर्मा फेस कर रहे हैं, बट इस वक्त इंसान को चेंज लाने की जरूरत है, घर से निकलने की है, स्पेस लेने की है, फ्रीडम रहने की है, नहीं तो यही चीज बहुत ज्यादा एंजाइटी दे जाती है, बहुत सारी परेशानियां क्रिएट करती है, क्योंकि आपके पार्टनर कर्मा भी फेस कर रहे हैं और थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बैकस्टेप भी किया है, लेकिन हर हाल में आपके पार्टनर अब आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। इस रिश्ते को बहुत याद करते हुए, जितना ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, जितना ये आपको मिस कर रहे हैं, जो इनके घर का आसपास का माहौल है वहां वो रह नहीं पा रहे हैं। अब हर हाल में ये बंदे को आपका साथ चाहिए और रिवर्थ चाहिए, मतलब इस रिश्ते में एक न्यू जन्म को, अगर इन्होंने ब्रेकअप भी किया था, आपको हट भी किया था, मूव ऑन भी किया था इन्होंने, बट ये स्ट्रगल देखते हुए आपके पार्टनर अब आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, नहीं तो इस एनर्जी से नहीं निकल पा रही, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप उन्हें मौका भी नहीं दे रहे हो। अगर जो आपके पार्टनर धोखे में रख रहे थे तो उन्हें स्ट्रेस मिला है, उनको सेपरेशन मिला है, ये कंप्लीशन ढूंढ रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस लाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी है अंडरस्टैंडिंग, ये कंप्लीशन चाह रहे हैं और ये बंदा सेपरेशन में है, एंड करना चाहते हैं। देखिए माइंड सेट करना बहुत डिस्टर्ब है, यहाँ पे कहा जाए तो बहुत ज्यादा एक अंदर से अग्रेसिव एनर्जी कह सकते हो, बस इनका कुछ बस नहीं चला, ये कुछ भी कर सकते हैं, जिसके साथ भी हो, आपके साथ की बात नहीं करी, ये जिसके साथ है, जहां है, जिन्होंने इनको धोखा दिया, आपके पार्टनर वहां डिस्टर्ब, बस इस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस वक्त सिर्फ आप समझ में आ रहे हो, आपका प्यार और गलती से भी इन्होंने आपको, आपके साथ ब्रेकअप किया, मूव ऑन किया और इन्होंने आपको धोखा दिया, ये साइकिल उनके लाइफ में रिपीट हो रही है, ठीक है। सच की हमेशा विजय होती है, तो आज आपके पार्टनर जिस
जगह पे हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उनके हालात आप देख सकते हो क्या हालात हैं। तो आज धोखा मिला, इन्होंने आपको धोखा दिया, चीजें छुपाई, और देखिए ये बंदा आपको अब खोना नहीं चाहता है या खोना नहीं चाहती। बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे द स्टार है, मिसिंग एनर्जी है, और द मून के मिसिंग एनर्जी है, लेकिन इनके लाइफ के माहौल सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक स्टार के रूप में देख रहे हैं, आपने बहुत कुछ दिया है, उसके लिए आपको थैंक यू भी कह रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं, कंप्लीशन चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए, यूनियन चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आपके पार्टनर के हालात सही नहीं है, हेल्थ इशू है, कर्मा फेस कर रहे हैं, और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। इनके साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है, चीट हुआ है, अब ये पर्सन इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। गलती से भी इन्होंने गलती की है, धोखा दिया, इनसिक्योर है, बट ये बंदा आपसे माफी मांगना चाहता है, या ये बंदी जो भी आपसे माफी मांगना चाहती है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, एक नई शुरुआत होने वाली है, लेकिन ये फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी प्रकार का डाउट है, शक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो यहाँ पे कुछ, अगर आप मौका नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपके मन में डाउट्स है तो एक बार डाउट्स क्लियर कीजिए, ठीक है। चुप नहीं रहना, आपका इंट्यूशन फॉलो कीजिए कि अगर आपको डाउट क्लियर करना है, वो आपको सही जवाब देते हैं तो आप बात कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर उनको किसी ने धोखा दिया है और इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, उस पर्सन इस वक्त कर्मा फेस कर रहा है, क्योंकि आपके साथ इन्होंने वही किया, जो रिटर्न इनको वही मिल रहा है। मतलब आपके साथ साइकिल कंप्लीट इन्होंने नहीं की थी और ये किसी और चक्कर में थे, तो आज इनको उनकी ही साइकिल दौड़ा रही है। मतलब कि वो साइकिल थर्ड पार्टी के साथ भी कंप्लीट नहीं किया इन्होंने, और इन्होंने नहीं किया था, अब ये पर्सन साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, और गुड न्यूज़ की एनर्जी है, ठीक है। एक नई शुरुआत की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है, गुड न्यूज़ की एनर्जी है, ठीक है। ये साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ, तो हो गया ना, ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, एंड आप हो एक स्टार की तरह। तो आज इतने स्ट्रेसफुल में आपके पार्टनर किसे याद करें, हर हाल में ये थर्ड पार्टी से भागना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ऐसी जो मैनिपुलेटिंग है, ठीक है, और इनको जो अगर किसी की सच्चाई सामने आई है, किसी का सच सामने आया है, तो आपके पार्टनर की होश नींद सब उड़े हुए, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन्हें आप संभाल सकते हो और कोई नहीं। तो ये पर्सन सेपरेशन से निकलना चाहते हैं, उन्हें मौका दीजिए, अगर मौका नहीं दे रहे हो तो उन पर शक ना करें, ठीक है। ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपसे ये पर्सन कहना चाहते हैं, ठीक है। तो अपनी पावर में आना चाहते हैं, आज आपका आपके पार्टनर का ईगो काम नहीं कर रहा, आपका प्यार, आपका केयर ही काम कर रहा है, लेकिन ये बंदा, ये बंदे डिस्टेंस कम करना चाहता है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, नेक्स्ट एक्शन। काफी स्ट्रेस है, हेल्थ इशू हो रही है इन्हें, ठीक है, एंजाइटी काफी हो रही है, आपको स्पाइक कर रहे हैं, कुछ के लिए पेरेंट्स इशू भी है, कास्ट इशू है, रिलीजन इशू भी है, कुछ पैसे से रिलेटेड भी इशू है। तो कुछ इशू यहाँ पे आ रहे हैं जहाँ आपके पार्टनर खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो घबराइए नहीं, देखिए आपके पार्टनर अगर हेल्थ इशू में है तो चीजें मैनिफेस्ट आपको करना है, चीजें सही आपको भी करना है, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को आपकी नीड है, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह। क्योंकि इन्होंने अगर आपके साथ किया, साइकिल रिपीट हुई, उनको भी धोखा मिला, अब ये हर हाल में आपसे बैलेंस चाह रहे हैं, रिश्ते में यूनियन चाह रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर आ रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं, यहाँ पे 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, एक नई न्यू साइकिल दिख रहा है, 10 नंबर है, 10 नंबर, 10-10 की वाइब्रेशन, एंड 5-5 की एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बैलेंस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, रियूनियन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त आपको भी, आपके पार्टनर को भी इस वक्त चेंज की जरूरत है, क्योंकि ये साइकिल को दर्शा रहा है। साइकिल क्या दर्शाता है, साइकिल जब तक आप इस एनर्जी को पूरा नहीं करोगे, ये जब साइकिल पूरी हो जाती है तो ये कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे अगर आप इस साइकिल पर आकर सेपरेशन में चले गए या ब्रेकअप हो गया, तो फिर से ये पुरानी साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस वक्त सोच रहे कि ये पुरानी जो साइकिल है, ये पूरी साइकिल को ये रिपीट करे, मतलब आपके साथ ये दुनिया देख रहे हैं। तो पुरानी साइकिल रिपीट ना करें। अगर आपके मन में डाउट्स है तो इस डाउट्स को क्लियर कीजिए। अगर आपको लगता है कि बात करने से सुलह हो सकती है, रिश्ते में बैलेंस हो सकता है, तो एक बार मौका दीजिए, अगर आपको लगता है तब, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो मौका नहीं दे रहे, अगर आप मौका नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पे बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वैसे भी आपके पार्टनर कर्मा ही फेस कर रहे हैं, और इनको नई शुरुआत चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे नंबर्स आपके लिए 10, 10, 10 की वाइब्रेशन है, कंप्लीशन की एनर्जी है, न्यू साइकिल स्टार्ट होने की है, ट्रैवल की है, गुड न्यूज की है, रीयूनियन की है, सेपरेशन एंड होने की है, और आपके पार्टनर निकलना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से। तो प्रेयर प्रार्थना कीजिए कि आपके पार्टनर उस जगह से निकल सके और आपको कमिटमेंट और आपका साथ दे सके। इस वक्त ये बंदा या बंदी घबरा हुए बेचैन है, इन्हें आपकी जरूरत है, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो कंप्लीशन, वो हार बनी चाहिए। तो बहुत सारे व्यूअर्स, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, गलतियों का एहसास है, इनसिक्योर है, बट आप उन्हें साथ दो ऐसा वो चाहते हैं। तो ये है आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।